उत्तराखंड में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी लगातार तापमान गिर रहा है। आलम यह है कि नालों और झरनों में बहता पानी अब जमने लगा है। हर्षिल वैली के खाई जल प्रपात अब जमने लगे हैं। दून समेत प्रदेश भर में बुधवार को मौसम शुष्क रहा। मैदानी क्षेत्र में विशेषकर हरिद्वार उधम सिंह नगर में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने और पहाड़ों में पाला पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने से सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान गिरता जा रहा है। औली में बर्फबारी के बाद अब नजारा खूबसूरत हो गया है। पर्यटकों का आना जाना भी लगा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं सुबह और शाम को मध्यम से घना कोहरा छाए रहने और पहाड़ों में पाला पड़ने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 14 और 15 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं पर पाला गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि पाला की वजह से फसलों की कोशिकाओं को क्षति पहुंच सकती है। इससे कीट और रोगों के फसल पर आक्रमण करने की संभावना होती है। पाले से सड़कें फिसलन भरी होंगी। रात और सुबह के समय ठंड बढ़ सकती है।